Hello, I am your maths teacher. Here we have to prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of a circle. Circumscribing implies that a quadrilateral is drawn with circle inside it in such a way that the tangents of the circle are nothing but the sides of the quadrilateral. I repeat that a circle is drawn inside a quadrilateral in such a way that the tangents of the circle are nothing but the sides of the quadrilateral. Here we can see in this figure that there is a quadrilateral given quadrilateral ABCD is circumscribes a circle with center A. Then tangents of the circle are AB, segment AB, segment BC, segment CD and segment DA. Radius of the circle are OP, OQ, OR and OS. Line joining center of the circle to the corners of the quadrilateral are OB, OC, OD and OA. We have to prove that for simplicity I am just applying the color change. These are the tangents and these are the radius. Next, we have to prove that angle AOB plus angle COD is equal to 180 degrees. That is, they are supplementary. Angle AOD plus angle BOC is equal to 180 degrees. This is the angle AOB and this is the angle COD. AB and CD are the opposite sides. They subtend an angle AOB and COD and we have to prove that they are supplementary. अब AD और BC दोनों दूसरे opposite sides है. हमें ये prove करना है कि angle AOD और angle BOC उनका sum 180 degrees आता है जिससे कि वो supplementary बताते हैं. बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड इसके लिए ये है सर्कल एंड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी. प्रूफ स्टार्ट करते हैं. In this figure, we can see that this is OA. Radius OA is perpendicular to tangent AB. OA is perpendicular to tangent AB. Then, ये भी radius है. OQ, radius OQ, BC को tangent BC से perpendicular है. OQ perpendicular to tangent BC.
तीसरा ओ आर, ओ आर इज परपेंडिकुलर, ओ आर डी सी से परपेंडिकुलर है, ओ आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट डी सी, और चौथा ओ एस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए डी, ओ एस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए डी। इन चारों का रीजन एक ही है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस हमेशा टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है। अभी हम यहाँ पे दो ट्रायंगल्स कंसीडर करते हैं, कंसीडर ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ एस। देखिए ये वाला ट्रायंगल है ए ओ पी और ट्रायंगल ए ओ एस। इसमें होता यह है कि ओ पी इज इक्वल टू सेगमेंट ओ पी इज इक्वल टू सेगमेंट ओ एस, रीजन बीइंग दैट रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये दोनों रेडियस है सेम सर्कल के। देन ए पी इज इक्वल टू ए एस, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, दोनों टेंजेंट्स ए पी और ए एस एक ही पॉइंट ए से स्टार्ट होते हैं। देन ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, सेम लाइन सेगमेंट। इन दिस वे वी कैन प्रूव दैट एओपी, ट्रायंगल एओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एओएस। इसकी वजह क्या है, कौन सा क्राइटेरिया है यहाँ पे, एस एस एस, साइड 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 वाला क्राइटेरिया ट्रायंगल का। नेक्स्ट, अब ये दो ट्रायंगल्स जैसा कि मैंने पहले बताया ए ओ एस एंड ए ओ पी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। नाउ वी कैन से दैट एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ एस। रीजन क्या है, सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखिए ये मैंने मार्क किया है ए ओ पी और ए ओ एस, ये दोनों इक्वल है, इसका रीजन कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसके बाद मैंने ये जो ट्रायंगल है ए ओ पी उसको मैंने 1 नाम दिया है और ए ओ एस को मैंने 8 नाम दिया है, तो मैं ए ओ पी को 1 बुलाती हूँ और ए ओ एस को 8 बुलाती हूँ। सिमिलरली अगर मैंने और ऐसे ट्रायंगल्स प्रूव किए जैसे कि 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, तो मैं ये सब इक्वल है ये प्रूव कर सकती हूँ। तो मैं बताती हूँ कौन से ट्रायंगल्स सिमिलर है, जैसे कि ये एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3, ये देखिए ये एंगल है 2, ये एंगल है 3, फिर एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 4, ये देखिए ये एंगल 4 है ये एंगल 5 है। देन एंगल 6 will be equal to angle 7, 6 will be equal to angle 7। ये मैंने अलग अलग कलर्स में लिखा हुआ है जानबूझ के, बाद में आपको कलर्स उसका रीजन पता चलेगा। तो ये सब ट्रायंगल्स मैं प्रूव कर सकती हूँ SSS प्रॉपर्टी से, ये ट्रायंगल SSS प्रूव करके। बट वी सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 degrees, देखिए ये सारे एंगल्स इनका सम 360 degrees आ रहा है बिकॉज सर्कल का एंगल 360 होता है, तो ये एंगल 360 degrees होता है।
So what we can write over here is that we can write the addition of all the angles. ये मैं इसमें यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ कलर कन्वेंशन मेंटेन करने के लिए. ये एंगल 6 और एंगल 7 सारे एंगल्स आ गए. हमें खाली प्लस साइन डालना बाकी है. यहाँ पे हम प्लस साइन डाल देंगे. 8 एंगल्स है टोटल. अब यहाँ पे मैंने ऐसा किया है कि इक्वल एंगल्स को मैंने साइड साइड में लिया है. जैसे कि एंगल 1 इज इक्वल टू 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, वो मैंने साइड साइड में लिखे है. एंड सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. फाइन. नाउ व्हाट वी कैन डू. अब हमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 ये हमें पता है, तो हम सिर्फ एंगल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके सिर्फ एंगल 1 लिखे तो भी चलेगा. जैसे कि ये एंगल 1, जैसे कि ये एंगल 1, यहाँ पे एंगल 1 मैं लिखूंगी 2 इंटू एंगल 1, एंगल 1 प्लस 2 इंटू एंगल 2 प्लस 2 इंटू एंगल 5 प्लस 2 इंटू एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. सब देखिए, 2 इंटू मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, ये इधर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है. तो उसके बाद मैं 2 बाहर निकाल रही हूँ ब्रैकेट में, और ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्रीज कैंसिलिंग बाय 2 थ्रू आउट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. फाइन. अब इस डायग्राम में थोड़ा देखिए, व्हाट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2. ये देखिए 1 और ये 2 है. एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू ए ओ बी, विल बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी. और एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना है, एंगल ये एंगल 5 है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. देखिए, वी हैड टू प्रूव दिस. हमें यही प्रूव करना था. तो एक हमारा प्रूव हो चुका है. सिमिलरली अगर आप सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हम ये भी प्रूव करेंगे कि एंगल ऑफ दूसरे एंगल ए ओ डी विल बी इक्वल टू बी ओ सी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. दैट इज बोथ आर सप्लीमेंट्री. देयरफॉर ऑपोजिट साइड्स of quadrilateral subtend supplementary angles angles at the center. ये हमने प्रूव किया है. थैंक यू.